आपको दे दिया था लास्ट टाइम. सेकेंड क्वेश्चन में अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, आई गिवन है और थिकनेस गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, लेटरल शिफ्ट निकालनी है. तो इसमें सिंपल लेटरल शिफ्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना, टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, बात खत्म. तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस तो गिवन है, आपको रिफ्रैक्शन नहीं गिवन. तो सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ. स्नेल लॉ में म्यू और साइन आई पुट करके क्या आएगा, साइन आर से आर आएगा, फिर लेटरल शिफ्ट होगा. आप इन क्वेश्चन में एंगल की टेंशन ना लें, क्योंकि एंगल्स में इसमें बड़ी कई 50 डिग्री 70 अजीब अजीब एंगल्स हैं, ऐसे एंगल नहीं आते. तो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करें. पहला स्नेल लॉ से आई से आर आएगा, फिर लेटरल शिफ्ट के फॉर्मूले से आंसर आएगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में 35 डिग्री तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, तो एंगल्स की चिंता नहीं, कॉन्सेप्ट देख लो. थर्ड में डाउट, फोर्थ, ठीक, फोर्थ क्लियर था, नहीं, फिफ्थ तो हमने कर लिया था, बता दिया था मैंने फिफ्थ क्वेश्चन को कैसे करना है. सिक्स्थ में सर डाउट है. ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक ना ट्रांसपेरेंट ये क्यूब है, कोई ग्लास है, इसके अंदर ओ एक ऑब्जेक्ट है, ओ ऑब्जेक्ट है, इसकी जो ग्लास की जो थिकनेस है ना, ये कितनी गिवन है, 210 mm गिवन है, 210 mm गिवन है. आप फेस वन से अगर देखें तो ओ ऑब्जेक्ट, ये इसकी रियल डेप्थ है जो मुझे निकालनी है. एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, मान लो एक्स दूरी पे है, जो मुझे गिवन नहीं है. तो ओ इसकी क्या है, यहां से फेस वन से रियल डेप्थ है, और हमें ये कहां नजर आ रहा है, आई वन पे. तो आई वन इसकी कौन सी डेप्थ है, वर्चुअल डेप्थ है, अपरेंट डेप्थ है. तो अपरेंट डेप्थ की वैल्यू कितनी बनेगी, अपरेंट डेप्थ की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है 100 mm है. तो म्यू का फॉर्मूला फेस वन से क्या निकलेगा, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ. रियल डेप्थ कितनी है एक्स, अपरेंट डेप्थ कितनी है 100. इक्वेशन नंबर वन क्लियर है यहां तक. तो फेस वन से ओ रियल है और फेस वन से आई वन अपरेंट है, कोई डाउट इसमें. अब बात करते हैं फेस टू से. फेस टू में यहां से अगर हम देखें इस ऑब्जेक्ट को, तो ये इसकी रियल डेप्थ है और ये इसकी अपरेंट डेप्थ है, क्योंकि इमेज थोड़ी राइट की तरफ नजर आएगी आपको. तो रियल डेप्थ की वैल्यू क्या होगी, रियल डेप्थ की वैल्यू है अगर ये टोटल 210 है और यहां से यहां का डिस्टेंस एक्स है, तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा, 210 माइनस एक्स बनेगा. तो 210 माइनस एक्स इसकी कौन सी डेप्थ है, फेस टू से रियल डेप्थ है, टोटल 210 है और ये x है, तो बचा कितना, 210 माइनस एक्स. और अपरेंट डेप्थ इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 40. तो म्यू का सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा, रियल डेप्थ 210 माइनस एक्स अपॉन अपरेंट डेप्थ कितनी 40. इन दोनों म्यू को इक्वेट कर लो, इक्वेट करके x की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, जो निकालना निकाल लेना. ठीक है यहां तक, तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे करना है. फेस वन से म्यू निकलेगा, फेस टू से म्यू निकलेगा और दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू आएगी. नेक्स्ट, सेवेंथ में डाउट, यस सर. ठीक है, देखो यस सर, सेवेंथ क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, सेवेंथ क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको एक सिलेंड्रिकल वेसल है और डायमीटर 12 सेंटीमीटर है. तो सिलेंड्रिकल वेसल है, ये पूरा सिलेंड्रिकल वेसल है और इसका जो रेडियस डायमीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसका 6 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये रहा. इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल ग्लास स्लैब है, ये एक सिलेंड्रिकल ग्लास है जिसकी हाइट और डायमीटर इसका 8 और 8 है. ठीक, आपको निकालना है एक, ये जो बेस है इसका, ये बेस आपको कितना ऊपर नजर आएगा, यानी कि नॉर्मल शिफ्ट निकालनी है, क्या होगी, ये क्वेश्चन है. अब प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर दो दो मीडियम्स हैं, एक मीडियम इसमें ग्लास है और एक मीडियम इसमें वाटर है. ग्लास की अलग नॉर्मल शिफ्ट होगी, वाटर की अलग नॉर्मल शिफ्ट होगी. तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है तो ग्लास के लिए नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी, नॉर्मल शिफ्ट आएगी थिकनेस कितनी है इसकी, हाइट क्या है इसकी 8, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू ऑफ ग्लास ऐसे. और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, तो ग्लास का तो हो गया केस सॉल्व, बिल्कुल आसान है. अब प्रॉब्लम है मेरे को वाटर की ये हाइट नहीं गिवन, क्या है, अगर मुझे इस पानी की हाइट पता लग जाए फिर मैं वाटर के लिए भी क्या निकाल सकता हूँ, नॉर्मल शिफ्ट लगा लूंगा. अगर आप मुझे हाइट h बता दें, ये h क्या होगी, तो मैं
यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट करके नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू को निकाल लूंगा और फिर दोनों को ऐड करके आंसर निकाल लूंगा। अब पूरी गेम किस पे डिपेंड करती है? पानी की हाइट क्या है। ठीक है, यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? यहाँ तक मेरे को पूरे क्वेश्चन में पानी का वॉल्यूम गिवन है। पानी का वॉल्यूम क्या है? ये ग्रे कलर का पानी है, तो पानी का वॉल्यूम मुझे गिवन है जो कि कितना गिवन है, 800 पाई गिवन है। एक काम करते हैं, पानी के वॉल्यूम में ग्लास स्लैब के सिलेंड्रिकल वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं पाई आर स्क्वायर एच से। पाई आर स्क्वायर एच से सिलेंडर का वॉल्यूम 128 पाई है, तो पानी और सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके, 928 पाई आ गया। क्लियर है यहां तक? तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम आ गया, तो टोटल वॉल्यूम ग्लास और वाटर का मिला के टोटल वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया सिलेंडर का इंटू हाइट। तो एक काम करते हैं, ये हाइट है पूरी पानी की नीचे तक, वॉल्यूम पूरा हमें पता है कितना है, एरिया हमें पता है, वॉल्यूम हमने निकाल लिया ऐड करने के बाद 928 पाई है। एरिया बेस का कितना है, पाई इंटू 6 का स्क्वायर है क्योंकि टोटल डायमीटर 12 है, तो ये इसका एरिया है। तो यहां से डिवाइड करके क्या आ जाएगी, पानी की पूरी हाइट आ जाएगी। पानी की पूरी हाइट में से 8 को माइनस करेंगे तो एच आ जाएगा, फिर एच आएगा, फिर नॉर्मल शिफ्ट आएगी, दोनों को ऐड करके आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे काम कर रहा है। तो पहले पानी का वॉल्यूम, ग्लास का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम को पूरे बीकर के एरिया से डिवाइड करके बीकर की हाइट, बीकर की हाइट में से 8 माइनस किया तो पानी की हाइट, फिर क्वेश्चन सॉल्व।